मलकी सिंह की हत्या हो जाती है, भगवा ध्वज को कलंकित किया गया, किस मुंह से राम भगवान का नाम लेते हैं? ये पाखंडी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, इनको खाड़ फेंकने का समय है। सत्ता ऐप में मैं तो खुलासा कर दूंगा कि दुर्ग शहर के कौन कौन बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के उसमें लिप्त हैं, जिन्होंने सेटिंग करके कितना पैसा कमाया है देर सबेर उसका भी। यहाँ के जो विधायक है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करते हैं, अगर उनमें दम है तो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा आए और चुनाव जीत के दिखाए। नमस्कार, मैं गौरव सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं NCR समाचार। लगातार छत्तीसगढ़ में चुनावी अपने चरम सीमा में है। आज दुर्ग जिले के सभी विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने सामूहिक नामांकन दाखिल किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी ललित चंद्राकर। आइए हम उनसे कुछ सवाल पूछते और जानते हैं दुर्ग ग्रामीण की स्थिति कैसी है और वो यहाँ के प्रत्याशी है किस तरीके से देखते हैं आप कद्दावर गृह मंत्री के सामने? छोटे से सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। दुर्ग ग्रामीण की जनता और कार्यकर्ता बहुत खुश है कि उनको अपने बीच का एक सामान्य कार्यकर्ता उनके साथ जो उठने बैठने और दुख सुख के साथ ही 12 महीना 24/7 वर्षों से कई 20-25 सालों से काम करते हुए आ रहे ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिस कारण आज पूरे क्षेत्र में जनता और कार्यकर्ता दोनों हर्षोल्लास और उनके चेहरे में खुशी आपको साफ झलकेगा और दिखेगा। और वो लोग ऐसे खुशी मना रहे हैं कि जैसे उन सबको टिकट मिला है। और मैं मानता भी हूँ ये जो टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और दुर्ग ग्रामीण के हर एक जनता को ये टिकट समर्पित है और वो ये महसूस भी करते हैं। और आप देखेंगे कि आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोकतंत्र में जनतंत्र सबसे बड़ा होता है और आज जनता और कार्यकर्ता आज दिखा दिए बता दिए छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है और दुर्ग ग्रामीण उसमें सहभागी निभाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। दुर्ग ग्रामीण की जनता वर्तमान विधायक वर्तमान सरकार से त्रस्त आ चुके हैं, कानून व्यवस्था को लेके, नशा के कारोबार से लेके और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ऐसा कोई काम नहीं होगा, ऐसा कोई चीज नहीं होगा जिसमें भ्रष्टाचार की बदबू ना हो। हर जगह भ्रष्टाचार आपको दिखेगा और समझ में भी आएगा। कई कई रिसाली निगम में तो ऐसे कई काम हुए हैं जिसका काम नहीं हुआ है लेकिन पेमेंट निकल चुका है। ऐसे और कई सारे मुद्दे हैं, परिवारवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है अब। और दूसरा, यहाँ के जो विधायक हैं वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करते हैं, अगर उनमें दम है तो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा आए और चुनाव जीत के दिखाए। मैं इस यहाँ के विधायक को ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, इस सामान्य से कार्यकर्ता से पहले लड़के दिखाए फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को बढ़े। कानून व्यवस्था को लेकर, जैसे ही कि गृह मंत्री का जिला है और उनके ही जिले में कानून व्यवस्था चौपट होती देखी गई, पुलगांव चौक में हत्या हुई है, भिलाई में एक युवक की हत्या हुई है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? पुलगांव और यहाँ की बात नहीं, आप दुर्ग विधानसभा में भी कानून व्यवस्था की ऐसी धज्जी उड़ा रहे हैं और कानून नाम का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। यहाँ में जो अधर्मी करते हैं या जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं या जो गुंडे लोग हैं या जो क्रिमिनल लोग हैं वो आप देखेंगे कि उनपे कोई अंकुश नहीं है। गृह मंत्री होने के बावजूद भी एक भी अभी कोई अभी तक आज तक 5 सालों में कभी कोई बड़ा बैठक नहीं किए और गृह मंत्री होने के बाद कानून व्यवस्था को लेके ऐसे ये गृह मंत्री हैं। अब इसी से समझ में आता है इनकी स्थिति क्या है। आप चुनाव में किन मुद्दे को लेकर जनता के बीच? जनता के बीच में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कानून व्यवस्था को लेके हम जाएंगे और जनता को हम ये बताएंगे कि यहाँ के जो विधायक है वो क्या करें। 5 साल में विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। सट्टा से लेकर तमाम प्रकार की चीजें, जमीन कब्जा, धर्मांतरण, गुंडागर्दी, चाकूबाजी, सिर्फ यही हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना जेब भर लिया है। 7 पुश्तों के लिए पूरी अपनी मिल्कियत उन्होंने तैयार की है। कहा तो था चिराग होगा हर घर के लिए और कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। पूरा अंधकार छाया हुआ है और इस पाप का अंत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। आज बड़ी हमने नामांकन रैली की है, जनता के हर मुद्दे को हमने उठाया है, हर मुद्दे को लेकर सड़क की लड़ाई आप लोग के माध्यम से हमने लड़ी है, तो निश्चित तौर पर जनता का हम आशीर्वाद मिलेगा। और दुर्ग वो शहर है, दुर्ग वो जिला है जहां से प्रदेश की राजनीति की तस्वीर तय होती है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर आप
महादेव सेठ सट्टा ऐप में मैं तो खुलासा कर दूंगा कि दुर्ग शहर के कौन कौन बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के उसमें लिप्त हैं, जिन्होंने सेटिंग करके कितना पैसा कमाया है, देर सवेर उसका भी खुलासा हो जाएगा। पूरा महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है और पुलिस के अधिकारी उसमें मिले भगत है। आज छत्तीसगढ़ जो कलंकित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारी जो बदनामी हो रही है, ये किसके कारण हो रहा है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की गई है? तमाम प्रकार के पीएससी घोटाला से लेकर कोयला रेती पूरे प्रदेश को लूट डाला है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। इसी दुर्ग जिले में मलकीत सिंह की हत्या हो जाती है, इसी दुर्ग यहाँ पे बेमेतरा में भुवनेश्वर साहू की हत्या हो जाती है, भगवा ध्वज को कलंकित किया गया, किस मुंह से राम भगवान का नाम लेते हैं, ये पाखंडी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, इनको खाड़ फेंकने का समय। अगर आज पूरा कार्यकर्ता संकल्प लिया है, शपथ ली हमने इनको फिर से, जैसे अजीत जोगी को 15 साल हमने सरकार से बाहर किया था, वही कालखंड फिर से दोहरा रहा है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अजीत जोगी के रूप में दूसरा पुनर्जन्म ऐसा लगता है भूपेश बघेल जी का हुआ है, जो पूरे प्रदेश को बेच दिए हैं जिन्होंने। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने राजनीतिक पार्टी बनाई है और वो चुनावी मैदान में अब उतर रही है, उसके बारे में क्या कहना? क्रांति सेना बी टीम है, भूपेश बघेल जी उनको पोषित करते हैं। छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे खुला डिबेट करने के लिए बुलाता हूँ, कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता आता नहीं मेरे पास में, तो ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन से ठेकेदार बन गए लोग? ये वास्तव में भूपेश बघेल की बी टीम है, वोट काटने के लिए वोट कटवा की भूमिका में यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये छड़ी फड़ी छत्तीसगढ़ में नहीं चलता है, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, जमींदोज हो गए हैं, सिर्फ दो ही आमने सामने मुकाबला है, बाकी और किसी के साथ हमारा वो नहीं। इन लोग को हम पार्टी के लायक भी नहीं समझते हैं। आम आदमी पार्टी का किस प्रकार से उदय हुआ था, कहाँ है आज? आज प्रत्याशी के लाले पड़ गए उनको।